हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। हेलो। और हम कर रहे हैं अब खाने की तैयारी। मेरा ऑल्टरनेटिव वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो सुबह से काम पे ही लगा हुआ था, ईमेल्स वगैरह सब काम था वगैरह, तो बस अब फ्री होके लंच की चल रही है तैयारी। जिम मैंने शुरू कर दिया है अब सुबह, क्योंकि शाम को मैं 7:30 बजे तक ऑफिस आता हूँ, 8 बजे जिम बंद हो जाता है, तो सुबह हो नहीं पा रहा है जिम, ये शाम को नहीं हो पा रहा है जिम, तो मैंने अब आज से शुरू करा है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, और तो इसी चक्कर में जिम सुबह का शुरू हो गया है, और आपको दिखाते हैं बड़ी सही चीज। तो ये है इस कबूतर के अंडे, और ये दोनों माशे ऊपर से देख रहे हैं, पता नहीं अब इन तीनों में से किसी के भी हो सकते हैं। दो अंडे हैं शायद, एक क्रैक हो गया है, ये नहीं, तो इन तीनों में से किसी एक के हैं ये। हाँ तो बाधी बाधी से सेक रहे होंगे। रियांज तुम अंदर आ जाओ बेटा, तुम खा जाओगे नहीं तो अंडे। और लंच में हमारे बन रहे हैं पनीर के पराठे, कर रही है पनीर का क्या कहते हैं मैसिंग मैश कर दिया मैश। I will not speak now। हाँ क्योंकि इसको बीच में ना बोलने की बहुत आदत है, जब मैं बोल रहा हूँ तभी ये बोलेगी, फिर जब मैं नहीं बोलूंगा तभी ये बोलेगी नहीं, फिर इसका मुंह फट जाता है। No, he says, मैं बोल रहा हूँ ना अभी, तुम क्यों बोल रही हो, तो I think ठीक है मैं नहीं बोल रहा। हाँ तो अब मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल रही हो। नहीं नहीं मैं बोली ही नहीं। मैं बोल रही हूँ। ये रख क्या नहीं था। मुझे ही रख के आना पड़ेगा ये चिमटा, क्यों रीति का मुंह अभी भी फूला पड़ा है। रीति ने अपना मुंह ठीक करने के लिए एक शर्त रखी है कि मुझे इन दोनों बच्चों को संभालना पड़ेगा, और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा इन दोनों कैसे शांत करूं, क्योंकि रियांश पूरी फुल टू समझती है, इसको कोई समझ में नहीं आ रहा, बस मैं इसी की पूंछ पकड़ के भे 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 भे। शर्म इसको फुला देना, परेशान कर दिया मुझे। और अब तो मेसी ने भी हुक्म कर दिया इसको सुलाने का, और मुझे यही लग रहा है कि इन दोनों की मस्ती ख़त्म करनी है तो दोनों को ही सुलाना पड़ेगा, तो चलिए कोशिश करके देखता हूँ इन दोनों को सुलाने की। और ये देखो हमारे किचन की हालत, एंड आई वाज श्योर कि इति ने व्लॉग नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये किलस चुकी आज मेरे से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं, पर मुझे पता है कि तुम्हारा ना आज ये किलस गई है। ये शी इज जेलस, शी इज जेलस। और शुक्र बनाओ कि भी रियांश नहीं है, रियांश उड़ जाता तो ये दोनों भाग रहे होते, वो उड़ गया था बीच में। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है, पर अभी तक इनका मेरे ख्याल से डिसाइड ही हो रहा है कि क्या करना है, तो अभी तो खाली डिब्बे रखे हैं, भरते के तो रखती हैं, फायदा क्या खाली डिब्बे रखने का। वो आंटी ने बोला कि मैं दुपट्टे लगाऊंगी, वो हम कल लगाएंगे। वाह ये अभी किचन सेट हो रही है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, उनमें सामान कल रखा जाएगा। और ये दोनों अभी तक खुशकिस्मत है कि रियांश अभी तक सो रहा है, कि उसने आके अभी अपना अफलातून पना नहीं दिखाया, तो ये आराम से काम कर पा रहे हैं, पर जैसे ही वो उठेगा ना इन दोनों की हालत हो जाएगी खस्ता। और हमारी मैसू हो गई है तैयार घूम जाने के लिए, इसका भी घूमने का टाइम हो गया है। मैसी व्हाट डू यू वांट, अच्छा इति कहाँ, इति कहाँ मैसी, उसको बोलती हूँ घुमा के लाए। मैसी इति कहाँ है, जल्दी जा, इति लो, दो में से एक तो आ गया। इति मुझे घूमने जाना है, उसका टाइम हो रहा है, उसका टाइम हो रहा है। तुम जानो और मैसी जाने, मैसी तो एक बार तो हो ही आई थी, बस अब घूमने चली जाइयो। फिर हमारा बेबी उठ गया है छोके, है बेबी लगता हूँ मेरे लिए क्या क्या चीज कर रही है मम्मी। ये देखो दिस इज आफ्टर आई थिंक 1 आवर, जो मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट हुआ था ये काम, और अभी 1 घंटा तो कम से कम हो चुका है इनका। और ये देखो
बड़ी मजेदार थी। मतलब सामान अंदर रखना, उसको इसको इस तरीके से रख, इसको पैरेलल रख, इसको वर्टिकल रख, इसको सीधा रखो, इसको टेढ़ा रखो, जैसा सुंदर लगे। सुंदर, इसके अंदर कौन उठ के देखेगा, इसके अंदर कौन देखेगा कि सुंदर लग रहा है या गंदा लग रहा है। यही तो बात है ना, क्या बात है, कोई तुम्हारे घर आके अलमारी खोल के देखेगा कि तुमने कितना सुंदर करके रखा है। इसी घुमा के ले आई है मैसी को, अब ये भी पता नहीं क्या सुपर एक्साइटेड मूड में, इसको क्या चाहिए समझ नहीं आ रहा। मेरे ऊपर नजरें गड़ाए बैठी है, इसको और घूम के आना है कि कहीं ये डोर पे जाए तो मैं अभी इसके पीछे पीछे हो जाऊं। आफ्टर लॉन्ग टाइम वर्क फ्रॉम होम करा है आज, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पर वर्क फ्रॉम होम के दो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि बीवी आपकी थोड़ी सी लेजी मोड में चली जाती है, वो सबने देख लिया कितना काम करा है, तो होता कि खाना आपको ही बनाना पड़ जाए। वो तो अच्छा है कि इतिहास थोड़ी सी कम लेजी मोड में थी तो खाना मिल गया मेरे को, नहीं तो अभी अपने वर्ड चेंज कर दिए, अभी भी शाम को याद आ गया अरे आज सच में काम किया है। नहीं आज पनीर के पराठे खिलाए, बहुत टाइम के बाद पराठे खाए हैं। ये इसकी आज डिनर स्किप करो, डिनर तो मेरा होता ही नहीं, डिनर तो डिनर तो मैं खाता ही नहीं, बैलेंस हो जाए। मशीन भी आ गए, आ जाओ बाय बाय करेंगे, आ जाओ सब बाय बाय करेंगे मिलके। अभी नहीं रियांश को देखने हैं ब्लॉग अपने, इसको मैं दिखाता हूँ ब्लॉग्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। And do not forget to like, share and comment on the video and subscribe our channel which is Vlogger Eti and Shala. Bye bye. Messi bye bye kar de. Chalo shuru kar de. Bye bye. Bye bye kar de. Bye bye. Bye bye.